नमस्कार, मैं बना रही हूँ रोहू फिश। देखिए, ये 1 केजी रोहू फिश है, उसके लिए ये मसाला है। 1 चम्मच धनिया, 2 चम्मच काली सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, लहसुन, 1 प्याज, 4 हरी मिर्च है। ये मसाला, इसको सारा हम मिक्सी में एक साथ ग्राइंडर में पीस देंगे। और उसके लिए 100 ग्राम हमें सरसों का तेल चाहिए। इतने चीजों से हम बनाएंगे रोहू फिश करी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले को ग्राइंडर में डालना है। सरसों है, सबको एक साथ पीस लेंगे। ये मेरे घर का कूटा हुआ हल्दी है, इसे भी हम ग्राइंडर में डाल के पीस देंगे। सारे फिश को हम थाली में पलट दिए हैं। 1 चम्मच हल्दी डालकर सबको इस तरह मिला देंगे, अच्छे से लपेट के। अब फ्राई करेंगे हम। कढ़ाई रख दी है, गरम हो रहा है। अब उसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक 100 ग्राम तेल इसमें डाल दिए हैं। तेल गरम हो गया है, 1 पीस डालकर हम पहले चेक करेंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो गया है, इसे हम पलट दे रहे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इसमें ही 1-2 और डाल देते हैं। मछली को हम फ्राई कर दिए हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और मछली का तला हुआ जो तेल था वो भी है। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 5 फोड़न। अब इसमें डाल देंगे मसाला। सारे मसाले को हम पीस कर 1/2 मसाला डाले हैं, क्योंकि हम 1/2 मछली बनाने जा रहे हैं, 1/2 बाद में बनाएंगे। और मसाले को अच्छे से भून रहे हैं। इसी समय हम नमक डाल दिए हैं मसाले के साथ। 5 मिनट मसाला को भूनकर जब मसाला तेल छोड़ेगा तब मैं दिखाऊंगी, पानी डालूंगी। मसाला भून गया है, अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं। पानी अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, पतला खाना है, गाढ़ा खाना है। और डाल के पानी 5 मिनट खूब अच्छे से खौलाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, ये देखिए खौल रहा है अच्छे से पानी। इसी समय हम फ्राई किया हुआ
मछली को डाल देंगे। और 10 मिनट तक अच्छे से खौलाएंगे, मछली के साथ पकाएंगे। ये 10 मिनट हो गया है, मछली रसा में बिल्कुल पक गया है। अब इसमें हम हरा धनिया छिड़क देंगे। गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये मछली हम सर्व कर दिए हैं। ये बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। आप बनाइए, खाइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।